हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे पेट स्पेशल के तहत जो हम लोग आर या पार सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो आयोग ने पूछे हुए हैं। जिन क्वेश्चनों को आज मैंने उन्हीं प्रश्नों को हूबहू लिया हुआ है कि कौन से प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखिएगा, हम लोग इस पूरे सवालों को बहुत ही आसानी से हल करना सीखेंगे। जो नहीं आ रहा है उसको हम लोग जानेंगे। उससे पहले, शुरू करने से पहले, अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हमारी सोशल मीडिया साइट से जुड़ने के लिए यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप वहां से जाकर के हमारे फेसबुक पेज, हमारे इंस्टाग्राम पेज, हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे पेट का महत्वपूर्ण पीडीएफ गया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अन्य भी पीडीएफ लगातार उसमें जाते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों को कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो हमें व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 12 घंटे के अंदर आप लोगों को इसका सुनिश्चित मतलब मिलेगा, उसका वो होगा, आप लोगों के जो भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये था। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गोपिका 4.0 सेंटीमीटर रेखा को 4.1 सेंटीमीटर नापती है। ध्यान से सुनिएगा, 4.0 सेंटीमीटर रेखा को 4.1 सेंटीमीटर नापती है, तो नाप में गलती का प्रतिशत पूछ लिया गया है। तो प्रतिशत, कितना प्रतिशत वो गलती कर रही है यही पूछा गया है। कितना गलती कर रही है? 0.1 प्रतिशत गलती कर रही है, 0.1 की गलती कर रही है। किस पे कर रही है? तो 4 पे कर रही है, 4 सेंटीमीटर पे। 4 सेंटीमीटर रेखा खींचने के लिए दिया गया था लेकिन वो 4.1 सेंटीमीटर खींच दी, तो कितना गलती की? 0.1 सेंटीमीटर अधिक खींच दी है। किस पे खींच दी है? तो 4 पे खींच दी है। और बट गुणे क्या कर देंगे, परसेंटेज निकालना है तो 100, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे? 100 में 1 का गुणा का 0.1 का गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा 10 और नीचे है 4, इसको हल करेंगे 2.5%, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, 4 की जगह 4.1 लिख दे रही है, 0.1 की गलती कर रही है, तो 0.1 किस पे गलती कर रही है? 4 पे गलती कर रही है, तो 0.1/4×100 यही करके लगा देना है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कल इस टाइप का हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, तो आज भी उसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन रख लिया है जो आयोग ने पूछा हुआ था। इसी पर एक क्वेश्चन था, एक बार मैं एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहा था तो उसमें पूछा हुआ था, किसी वर्ग की भुजा का दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। ये मेरे समय में पूछा हुआ था ग्रुप डी के एग्जाम में। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा की माप करते समय 0.2 की गलती हुई, यानी 0.2 की इसमें गलती हो गई। बताइए कि वर्ग के क्षेत्रफल पर कुल कितना प्रभाव पड़ेगा। कल भी हम लोगों ने इसी टाइप का देखा था, देख लीजिएगा कितने का गलती कर रहा है वो, तो 2% का कर रहा है। कितने का? 2% का। 2% का भुजा का एक वर्ग की जब हम लोग ये क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका क्या होता है, इसका भुजा स्क्वायर होता है, यानी सेम चारों भुजा इसकी बराबर होती है और इसी का हम लोग वर्ग कर देते हैं तो वही उसका क्या निकल के आता है, क्षेत्रफल। तो क्या कह रहा है, 0.2 की गलती कर रही है, तो कर रहा है, तो 0.2 की गलती, 2% की गलती यहां भी करेगा वो और 2% की गलती यहां भी करेगा। तो इसका आंसर निकालने के लिए कल वाले फॉर्मूले पे हम लोग रखते हैं। कैसे? 2 प्लस माइनस करके हमने लिखा था, वहां पे सूत्र लिखा था, तो 2% का और कर रहा है, तो 2 a into b by 100 तो ए कितना है, 2×2/100, ये कितना हो जाएगा, 2+2 = 4, 4+2×2 = 4/100, इसका कितना मानना आ जाएगा, 4/100। अभी हम लोगों ने उसमें भी किया, कितना आया था, सॉरी उसमें नहीं किया था, 4/100 निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा, 0.04, दो अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, ठीक। अब 4.04 इसका क्या हो जाएगा, 4.04 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यह इतने प्रतिशत की गलती करेगी। आई होप यह भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा कि दो वर्ग क्या होता है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का स्क्वायर होता है, तो दो बार लेते हैं, ए और बी सेम है उसमें, तो ए बी
एबी बटा 100 इसी पे रख देंगे और हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। इसको दो गुणे दो नहीं करेंगे, जैसे 2% की गलती कर रही है तो भुजा का स्क्वायर हो जाता है, तो इसमें नहीं होगा कि दो गुणे दो कर देंगे वही हमारा आंसर निकल के आएगा, नहीं वो गलत हो जाएगा। इस फॉर्मूले पे आप लोग रखेंगे तो वो सही निकल के आएगा, ठीक है। आइए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 4750 में से किस सबसे छोटी संख्या को घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। क्या कह रहा है, 4750 ये संख्या दे दिया है, कितना 4750, और इसी को कह रहा है कि हम कितना घटा दें कि जो घटी मतलब जो संख्या प्राप्त होगा वह एक पूर्ण वर्ग होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे, इसका वर्ग भाग विधि से निकालेंगे। भाग विधि में क्या करते हैं, पीछे से दो का जोड़ा बनाते हैं, तो दो जोड़ा बन गया। अब इस संख्या में देखते हैं कि किस संख्या के वर्ग के नजदीक भाग जा रहा है, जैसे 6×6=36, 7×7=49, 49 ज्यादा हो जा रहा है तो 49 को नहीं लेंगे, 6 बार जाएगा, कितना 6 बार 36, कितना बचा 1, 1, ये दोनों संख्या को उतार लेते हैं, ठीक। यहां पे कितना हो गया 1150, इस संख्या को यहां पे जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 12। अब देखते हैं कि यहां से कितनी बार गुणा हो कि यह इसके नजदीक पहुंच जाए या फिर इतना ही आ जाए। तो देखिएगा, अगर हम 7 बार लेते हैं तो 12×7=84, 8 बार लेते हैं 12×8=96, 8 बार लगभग जाएगा, कितना 8 बार, कितना हो जाएगा 8×8=64, 6 बचा। अब फिर देखिएगा, 8×2=16, 16×6=22, 2 बचा, फिर 8×1=8×2=10, कितना होगा 10 में से 4 जाएगा 6, यहां पे 4 बचा 2 और यहां पे 1 बचा 126। अगर हम 4750 में से 126 को घटा देते हैं तो हमारा जो आंसर प्राप्त होगा वह 68 का क्या प्राप्त होगा, 68 का वर्ग प्राप्त होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कितना 126 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था इस बार, पिछले पेट के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था, केवल इतना था कि संख्याएं बदल दिया था। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है इसमें, कि कितने 1/6 मिला करके 41 सहित 2/3 के बराबर होते हैं, मतलब कह दिया जाए कि कितना दो मिला करके 6 होता है, तो हम लोग कैसे इसको हल करेंगे। तो 2 को लिखेंगे, 2+2=4 हुआ, +2 करेंगे 6 हुआ, 6 मिल गया, यानी 2 तीन बार मिला करके 6 हो गया, यानी 2 को अगर हम तीन बार गुणा कर दें तो 6 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। वही यहां पे कहा गया है कि कितने 1/6 को मिला करके 41 सहित 2/3 प्राप्त होगा। क्या करेंगे हम लोग, 1/6 में या तो गुणा कर लें एक्स का, या इसमें हम 1/6 का भाग दे दें, दोनों बात सेम है। जैसे 1/6 में एक्स का गुणा करेंगे तो प्राप्त कितना हो रहा है हमको, 41 सही 2/3, ठीक, यही हमको प्राप्त होगा। एक्स बार हम गुणा करेंगे तो यही हमको प्राप्त होगा। अब देखिएगा यहां क्या हो जाएगा, 1/6 यहां क्या हो जाएगा, 4×3=12, 120, 123×2=125, 125/3, 3×6=6, 2 बार 2 का इसमें गुणा होगा, x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 150। कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, व्यथा, पीड़ा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक, आंसर निकल के आ गया। कुछ नहीं करना है, जो कह रहा है हमको उसी के अकॉर्डिंग करते चले जाना है। आई होप यह भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2×2x+4=16 हो तो 2x बराबर है। अगर केवल हमको x का मान पूछा होता
केवल इसमें x का मान पूछा होता तो हम ऑप्शन से लगा सकते थे, x का मान रख देते यहां पर, जो वेरीफाई करता वही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। लेकिन यहां पे ऑप्शन लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे दो का मान, दो पर x का मान पूछ लिया है। तो कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन क्या दिया है, दो पर 2x प्लस 4, और यह किसके बराबर है, तो 16 पर x के बराबर है। इसको क्या लिख लेंगे, 16 पर x को क्या लिख लेंगे हम, 2 पर 4, और इसको क्या लिख लेंगे x। तो इसका इसका गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 पर 4x। अब इसका बेस सेम हो गया, 2 पर 2x प्लस 4 और 2 पर 4x प्लस 4, यानी जब दोनों बराबर है तो 2 पर 2 प्लस x प्लस 4 बराबर 4x। ध्यान से देखिएगा, बेस हमने क्या किया, दोनों का सेम कर लिया। अगर दोनों पक्ष बराबर है तो हम लोग बेस सेम कर लेते हैं, और बेस सेम करने के बाद जितना पावर यहां पे है उतना ही सेम पावर यहां भी होगा, तो इन दोनों का हम लोग टैली करा लेते हैं, 2x प्लस 4 बराबर 4x। ठीक है, तो x x इधर आ जाएगा, तो 4x माइनस 2x बराबर 4, यहां पे कितना हो जाएगा, 2x बराबर 4, तो x बराबर 2। अब इसी x का मान हम वहां पे रख देंगे, 2 पर x पूछा क्या है क्वेश्चन, 2 पर x, x का मान 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पर 2 बराबर 4, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप यह भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16,641 का वर्गमूल क्या होगा। अगर हमारी वर्गमूल वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है कि कैसे इन संख्याओं का वर्गमूल हमसे 5 से 7 सेकंड में निकाल सकते हैं, तो आप जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है, नहीं तो हमारे वीडियो लिस्ट में वो है कि कैसे हम इसको वर्गमूल निकाल सकते हैं 5 से 7 सेकंड में। देखिएगा कितना कोई अंक है, 16,641। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, यहीं से इसको अलग कर देंगे, पीछे का 2 अंक ले लेते हैं, पीछे का 2 अंक ले लेंगे, और ये देखेंगे लास्ट वाला अंक किस संख्या के वर्ग के बराबर आता है, मतलब वर्ग के बराबर मतलब 9 का वर्ग करेंगे या फिर 19 का वर्ग करेंगे, 29 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग हमेशा लास्ट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 का वर्ग करेंगे हमेशा लास्ट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, तो यही लास्ट में है, या यह संख्या ऐसी संख्या का वर्ग है जिसके लास्ट में या तो 9 हो या तो 1 हो, ध्यान दीजिएगा, यह संख्या ऐसी संख्या का वर्ग है जिसके लास्ट में 9 हो या फिर 1 हो। ठीक, अब आइए चेक कर लेते हैं कि कैसे मालूम होगा कि कौन सी संख्या है, यह तो इतना मालूम हो गया कि 9 होगा या फिर 1 होगा। अब ये वाली इधर वाली संख्या को लेते हैं, यह देखते हैं कि इधर वाली संख्या कितने कितने वर्गों के, मतलब किस किस संख्या के वर्गों के बीच में आता है, तो 166 12 का वर्ग कितना होता है 144 और 13 का वर्ग कितना होता है 169, इसी के बीच में 166 कहीं पे आएगा। ठीक, 166 इसी के बीच में कहीं पे आएगा, ध्यान से देखिएगा, यह संख्या ऐसी संख्या लेते हैं जिनके वर्ग के बीच में यह संख्या आती हो, तो 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169, इसी के इन दोनों के बीच में यह संख्या आती है, तो हमेशा ही हमेशा हम लोग छोटी वाली संख्या लेते हैं, छोटी वाली कौन, मतलब 12 और 13 के बीच में यह संख्या आ रही है तो हमेशा ही हमेशा हम लोग 12 लेंगे। ठीक, अब एक स्टेप और क्लियर हो गया, 12 लेंगे, अब 12 के साथ देखिएगा 12 के साथ 129 होगा कि 121 होगा, यही देखना है, यहां तक तो हर कोई निकाल लेता है लेकिन यहां पे समझना भूल जाता है कि 129 होगा कि 121 होगा। ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसको निकालेंगे, पहले यहां पे 1 लिख लेते हैं क्योंकि ऐसे करने पे सवाल गलती हो जाएगा, 1 ऊपर क्रम से लिखते हैं और 9 नीचे। अब देखिएगा 166 112 के वर्गमूल के अधिक मतलब नजदीक था कि 13 के वर्ग के नजदीक था, तो
166 144 के नजदीक है कि 169 के नजदीक है। अगर देखेंगे तो 166 यहीं पे आ जाएगा, इसके तीन ही संख्या के बाद 169 पड़ जा रहा है, जैसे 166 67 68 69, लेकिन 44 के बाद बहुत ढेर सारा संख्या हो जा रहा है, तब जाके 166 मिलेगा हमको। तो इसीलिए हमेशा मतलब जो नजदीक होता है उसी को लेते हैं, उसी को क्या मतलब नीचे वाला संख्या ले लेंगे। कैसे 169 के नजदीक है यानी नीचे वाले के नजदीक है तो हम नीचे वाला ले लेंगे, अगर यही 144 के नजदीक होता तो हम 144 को मतलब एक को ले लेते। ठीक, ये बात समझ में आई? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 129। यह 166 169 के नजदीक है ज्यादा, इसीलिए हम नीचे वाली संख्या लेंगे। अगर यह 166 मतलब 144 के पास होती तो हम एक ले लेते। आई थिंक यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो हमारी वर्गमूल निकालने की विधि आप लोग देख सकते हैं, वहां मैंने और अच्छे से इसको डिफाइन किया हुआ है। आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिना फार्मूला का हम लोग सीखेंगे, बहुत ही ये नेचुरली ढंग से, जैसे हम कहीं बाजार जाते हैं या फिर इसको बिना फार्मूला लगाना ही नहीं है, क्योंकि हम भी जानते हैं, हम भी एक स्टूडेंट हैं, कि स्टूडेंट कितना फार्मूला याद करेगा, इसलिए इसको फार्मूला लगाना ही नहीं है, बिना फार्मूले का हम लोग इसको सीखेंगे कि कैसे बिना फार्मूले का इसको कर लेते हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 20 पुस्तकें बेचने पर राजेश को 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ध्यान से सुनिएगा, 20 पुस्तक वह बेच रहा है तो उसको लाभ कितना हो रहा है, 4 पुस्तक जितना उसको लाभ हो रहा है। तो वही पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। मान लीजिए वह 20 पुस्तक को 20 रुपया में बेच रहा है, 20 रुपया में बेच रहा है, यानी प्रत्येक पुस्तक को वह 1 रुपया में बेच रहा है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। 20 पुस्तक को वह 20 रुपया में बेच रहा है, यानी प्रत्येक पुस्तक को वह 1 रुपया में बेच रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य, 4 पुस्तक को वह बेचेगा तो कितने का लाभ हो रहा है, 4 रुपए का। देखिए 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 4 पुस्तक को 4 रुपए में बेचेगा तो इसका मतलब उसको 4 रुपए का लाभ हो रहा है। जब 4 रुपए का उसको लाभ हो गया तो यहां पे वह कितने में कुल बेचा था, 20 पुस्तकों को वह 20 रुपए में बेचा था। ध्यान दीजिएगा, 20 पुस्तकों को वह 20 रुपए में बेचा था और लाभ कितना हो गया, 4 रुपया, यानी वह पुस्तक कितने का रहा होगा, तो 16 का रहा होगा, 16 रुपए का रहा होगा उसका। क्यों? क्योंकि 20 रुपए तो कुल टोटल में बेच रहा है, और 20 रुपए कुल टोटल में बेच रहा है तो 4 रुपए का उसको लाभ हो जा रहा है। तो टोटल विक्रय माइनस इसको लाभ घटा देंगे तो यही हमारा क्या निकल के आएगा, क्रय मूल्य निकल के आएगा। तो 16 इसका क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक, 16 इसका क्या है, क्रय मूल्य है। अब देखिएगा परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, 4/16 गुणे 100। लाभ परसेंटेज निकालने के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, 4 से 4 बार गया, 4 से 25 बार गया, 25% हमारा क्या निकल के आया, आंसर निकल के आ गया। देखिएगा 20 पुस्तक को 20 रुपए में बेचा, प्रत्येक पुस्तक को 1 रुपए में बेच रहा है, तो 4 पुस्तक को 4 रुपए मतलब 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है, तो यानी 4 रुपए का लाभ हो रहा है। 4 रुपए का लाभ किस पे हो रहा है, तो 20 में से 4 को घटा देंगे तो 16 रुपए, 16 रुपए पे 4 रुपए का लाभ हो रहा है, गुणे 100 कर देंगे तो जो निकल के आएगा 25% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप यह पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर यह क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, कि कमेंट जरूर करिए, जो भी लोग इसको देख रहे हैं कमेंट जरूर करें, सही गलत जो भी आपके मन में आ रहा है कि ये कमी रह गई या ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, तो कमेंट करिए, कुछ भी करिए लेकिन कमेंट जरूर करिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।